की इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आपको वीडियो डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं और इसके साथ ही बताने वाला हूं कि इसमें क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और कितने दिन में आपका कार्ड अप्रूव के बाद आपके एड्रेस पर आपको डिलीवर्ड हो जाता है। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आपसे का स्वागत। चलिए शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं, हमें डिलीवर्ड हो गया और डिलीवर्ड हमें हुआ है तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के साथ हमें यहाँ पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का पिन भी मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं अलग से यहाँ पर पिन भी हमें पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया गया है और जो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है ये हमें ब्लू डार्ट कुरियर से सेंड किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आपको यहाँ पर पॉलीथीन की इनवलप में रहता है, उसके बाद यहाँ पर इनवलप रहता है और ये क्रेडिट कार्ड हमारा जैसे हमने अप्लाई किया था उसके बाद 7 दिन के अंदर ये क्रेडिट कार्ड हमारे एड्रेस पर डिस्पैच कर दिया गया और 7 वर्किंग डेज पर ही हमें ये डिलीवर्ड हो गया, यानी 14 डेज के अंदर हमें क्रेडिट कार्ड डिलीवर्ड हो जाता है। अगर क्रेडिट कार्ड अनडिलीवर्ड हो जाता है इस कंडीशन में, ये आपका ब्रांच जो भी इनका रहता है ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस वहां पर ये डिलीवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। पहले हम क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर पिन देखेंगे कैसे यहाँ पर इनवलप में हमें पिन सेंड किया गया है। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मिलता है, प्राइमरी कार्ड नंबर, एड ऑन कार्ड, यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट 1,44,000 की हमें लिमिट मिली है और इंटरनेशनल और विड्रॉल लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं, ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस 500 की है और प्राइमरी कार्ड एक्टिवेशन यहाँ पर देख सकते हैं, एड ऑन कार्ड काफी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। इस तरीके से आपका फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पर डिलीवर्ड होता है, इस तरीके से आपका कार्ड रहेगा। अब इसको जो है तो 30 डेज के अंदर यहाँ पर अगर आप इसको एक्टिवेट नहीं करते हैं तो ये आपका कार्ड क्लोज हो जाता है, यानी 30 डेज के अंदर जैसे ये डिस्पैच होता है जिस तारीख से, उसके बाद 30 डेज के अंदर इसको आपको क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सिंबल मिलेगा, क्या सिंबल है, यहाँ पर वाईफाई का सिंबल मिलेगा और यहाँ पर आपको टैप एंड कार्ड, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक दिया जाएगा, इसके साथ ही 4% का आपको प्रीफर्ड पार्टनर जो रहेंगे उस पर आपको कैशबैक मिलेगा, 1.5% का आपको ऑल स्पेंड पर यहाँ पर कैशबैक मिलेगा, 1% का फ्यूल सरचार्ज ऑफ वेव ऑफ किया जाएगा, 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ग एक्सेस मिलेगा और इसके साथ ही 15% का आपको 500 से लेके 10,000 तक यहाँ पर रेस्टोरेंट पर यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा सेविंग EMI पर देख सकते हैं, इसके साथ ही बैक में देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर भी 500 का मिलेगा और यहाँ पर 15% का कैशबैक मिलेगा आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन, जो भी आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे 15% का आपको कैशबैक मिलेगा और इसके साथ ही 50% का डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट स्विगी ऑर्डर में। एक्सिस ये आप कोड यूज करेंगे और इस कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको ये 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसके साथ ही आप मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, ATM और फोन बैंकिंग के थ्रू आप इसका पिन जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्ड को एक्टिवेट कैसे करना है और इसका पिन जनरेट कैसे करना है, पहले आपको अपने कार्ड को एक्टिवेट करना होगा उसके बाद पिन जनरेट करना होगा, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अपना कार्ड को जनरेट कर सकते हैं और पिन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग वगैरह से कैसे आप यहाँ पर पिन जनरेट कर सकते हैं, आप यहाँ पर यहीं से आप जो है तो अपने कार्ड को मैनेज भी कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन इनेबल कर सकते हैं, कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन एक्टिवेट कर सकते हैं, इंजेक्शन है, कस्टमाइज कार्ड लिमिट है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक कर सकते हैं और यहाँ पर रिप्लेसमेंट के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो आपको वाईफाई का सिंबल मिलता है यानी कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं, 2,000 रुपीज का मैक्सिमम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर कार्ड के बारे में। इसके साथ ही यहाँ पर आपको यूजर गाइड दी जाती है कि कैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे और अपने पिन कार्ड का पिन जनरेट करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से आप पिन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर आपको एक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का पिन भी मिल जाता है, यानी कार्ड का पिन भी यहाँ पर आपको डिलीवर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर हम इस पिन को बाहर निकाल के देखते हैं, जैसे नॉर्मल पिन मिलता है उसी तरीके से देख सकते हैं एक्सिस बैंक का और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है यहाँ पर पिन हमें सेंड किया गया है। अब इस पिन को यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पिन सेंड किया जाता है। इसको चलिए यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं, इसको ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पर हम इसको दिखा देते हैं आपको
आपको इस तरीके से यहाँ पर पिन सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है डिजिट, यही आपका पिन होता है। मैं यहाँ पर पिन शो नहीं कर रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पज से, और यहाँ पर कार्ड के डिटेल्स में भी मैं यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से शो नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी आप इस तरीके से आपका कार्ड डिलीवर्ड होगा, पिन भी आपको मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे आप पिन जनरेट करेंगे। और ये छोटा सा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मम्मी कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं, नीलेश 0094। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए।